hello everyone welcome to our channel today we are going to discuss about the most important mcq for upsc prelims 2022 part 9 already we discussed about the part 1 to 8 now today we are going to discuss about the part 9 then let's start it okay then here today we are going to discuss about the 10 question with the different subject

इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड मार्शल आर्ट तो छो डांस में क्या है हम लोग का म्यूजिक भी रहता है डांस भी रहता है और मार्शल आर्ट भी रहता है तो ये सही है इट इज़ ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ साउथर्न नीलगिरी तो ये हम लोग का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ ईस्टर्न इंडिया का है साउथन नीलगिरी का नहीं है देन हम लोग का दो नंबर गलत है इट इज अकम्पेड बाय ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मोरी एंड ढोला तो ये हम लोग का सही है मोरी और ढोला यूज किया जाता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये डांस करते समय ओके देन वन थ्री हम लोग का करेक्ट हो जाएगा सी का ओके okay, तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए छो डांस इज ए मेजर क्लासिकल डांस इंडियन डांस विच हैज इट्स ओरिजिन इन द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड वेस्ट बंगल एंड ओडिशा तो यहाँ पे जो थ्री स्टेट हैं, वहाँ पे ये डांस किया जाता है और इट इज फाउंड इन थ्री स्टाइल नेम आफ्टर द लोकेशन वर दे आर परफॉर्म तो तीन इसका है परिली छो हम लोग का बेंगल का है सराय क़ला छो हम लोग का बिहार का है और मयूरभंज छो हम लोग का उड़ीसा है और मयूरभंज छो जो है बिना माक्स का ये डांस किया जाता है और हम लोग का परुलिया छो और सरायकेला इसमें माक्स पहन के डांस करते हैं और ये मार्शल आर्ट्स का ये है एक जैसे बैटल में लोग लड़ाई करते थे उस तरह का ये डांस किया जाता है ओके देन इसका इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग देखे थे पहले मोरी है फिर ढोला है धमसा है फिर चाटदाई है तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो और डिटेल में अगर आप लोग देखना है आर्ट एंड कल्चर का जो हम लोग का डांस का तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग डांस है आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आप लोग चाहो तो देख सकते हो और उसका मेमोरी ट्रिक भी बना हुआ है ओके देन क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग गौतम बुद्ध लाइफ तो गौतम बुद्ध लाइफ के बारे में हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं जानते हैं कंफ्यूजन होने के लिए इस तरह का मेज फॉलोइंग में आ सकता है, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसे बर्थ बर्थ प्लेस कहाँ है उसका कुशीनगर देन इनलाइटमेंट सरनाथ फार सेम बुध गया तो यहाँ पे जो है बर्थ प्लेस उसका कुशीनगर नहीं है उसमें उनका ये हुआ था डेथ हुआ था उनका प्लेस है वो और दूसरा क्या है हम लोग का इलाइटमेंट हम लोग को बुद्ध गया में मिलता मिला था और फर्स्ट सेरोमोन था सरनाथ में ये तो इनका तीनों हम लोग का गलत है क्योंकि बर्थ उसका लुम्बिनी में हुआ था देन नॉन ऑफ दी एवोव हो जाएगा आंसर इसका ओके okay, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका ऑल द गिवन पेयर्स रिगार्डिंग बुद्ध लाइफ आर इनकरेक्टली मैच तो यहाँ पे जो भी बुद्ध लाइफ के बारे में दिया हुआ है पेयर्स वो इनकरेक्टली मैच है क्योंकि उसका बर्थ प्लेस लुम्बिनी है नेपाल में पड़ता है फिर वो इनलाइटमेंट में उसे मिला था बुधगया में और फर्स्ट सेलिमोनी वो दिए थे सरनाथ में और उनका जो ये हुआ था देहांत हुआ था कुशीनगर में हुआ था ओके दे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विथ रेफरेंस टू फोल्ड माउंटेन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट तो फोल्ड माउंटेन हम लोग का ये भी है हिमालय माउंटेन भी फोल्ड माउंटेन है तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है उसका फोल्ड माउंटेन आर मेनली फाउंड एट कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री तो कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में फोल्ड माउंटेन नहीं होता है तो so, यह हम लोग का गलत हो जाएगा इन्हें फोल्डिंग्स आप होल्ड आर्कल एंटीक्लाइन एंड डाउन होल्ड आरकल साइक्लिन साइनक्लिन तो यह हम लोग का सेकेंड वाला जो है सही है वन गलत है तो so, इसका एक्सप्लेनशन थोड़ा सा देख लेते हैं ओके देन फोल्ड माउंटेन आर मेनली फाउंड एट कॉन्वर्जेंट प्लेट जब कन्वर्जन होता है तो जब एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आके ये करते हैं तब जाके फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है तो हम लोग का कन्वर्जन प्लेट से होता है देन दूसरा हम लोग का जो था वो ये है देख लीजिए एंटीक्लाइन और साइन तो हम लोग का जो ऊपर उठ के रहता है उसे एंटीक्लाइन कहेंगे जो नीचे दब के रहता है उसे साइनक्लाइन कहेंगे तो इमेज में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स That date is given here in season. Okay then ट्वेंटी uh, फर्स्ट June summer in northern hemisphere. तो हम लोग का ट्वेंटी फर्स्ट जून से हम लोग का समर रहता है uh, Then ट्वेंटी थ्री सेप्टेम्बर ऐटम इन साउथ हेमस्फियर तो इसके बारे में इतना ये नहीं है बट साउथ हेमिस्फियर में ऐटम इस मंथ में नहीं होता है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिसफियर तो ट्वेंटी फाइव मार्च को स्प्रिंग भी नहीं होता है साउथन हेमिसफेयर में ट्वेंटी दिसंबर विंटर इन नॉर्थन हेमिसफियर तो हम लोग का इंडिया भी नॉर्थन हेमिसफियर है तो ये हम लोग का ट्वेंटी फर्स्ट जून और ट्वेंटी हो जाएगा वन इन फोर ओके तो इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं ट्वेंटी फर्स्ट जून को समर होता है हम लोग का नॉर्थन हेमिसफियर में

तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया में कौन कौन सा ये किया गया है इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ एडोप्टन ऑफ नेशनल फेग एंड नेशनल एथम, देन इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये तीनों के तीनों ही किया गया था तो ये हम लोग का वन टू एंड थ्री हो जाएगा करेक्ट आंसर ओके इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन तो कौन कौन सा फंक्शन ये किए थे इट रेटिफाई द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे नाइनटीन को देन दूसरा इट एडोप्टेड द नेशनल फ्लैग दैट इज ऑन जुलाई ट्वेंटी फोर्टी और एडोप्टेड किए थे नेशनल एथम को भी नाइनटीन फिफ्टी को ट्वेंटी फोर जनवरी को इट एडोप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी ट्वेंटी फोर नाइनटीन फिफ्टी को तो हम लोग का नेशनल एथम और नेशनल सॉन्ग 1950 को 24 जनवरी में एडॉप्ट किया गया था इन इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950 तो जनवरी 24 1950 को हम लोग का तीन चीज़ हुआ था वो है नेशनल एथम का एडोपटेशन हुआ था नेशनल सॉन्ग का हुआ था फिर दूसरा हम लोग का फर्स्ट प्रेसिडेंट को भी हम उसी दिन में इलेक्ट किए थे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ये हमारा तीनों के तीनों ही से ही हो जाता है तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उसका ओके हियर दैट एक्सप्लेनेशन सम बेसिक स्ट्रक्चर लिस्टेड बाय जज इन वेरियस जजमेंट so supremacy of the constitution then sovereign sovereign democratic and republic of the indian policy uh, polity then secular character of the constitution separation of power between the legislature the executive and the judiciary federal character of the constitution unity and integrity or at nations then welfare state judicial review freedom and dignity of the individual parliamentary system rule of law हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट इंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी फ्रीडम एंड फेयर इलेक्शन तो यहाँ पे जितना भी दिया है आप लोग देख सकते हो ये सब हम लोग का ये में किया गया है तो अगर आप लोग को चाहिए तो पी डी एफ मंगा के इसका ये कर सकते हो डिटेल में जा सकते हो आप कॉमेंट करके आप मुझे बताइए मैं पी डी एफ आप लोग को शेयर कर दूंगी विथआउट एनी कस्ट तो आप लोग चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ए क्लोज

नो इम्पोर्ट आर ब्रॉड इन एंड नो एक्सपोर्ट आर सेंड आउट तो ये हो जाता है हम लोग का क्लोज इकोनॉमी जो सेल्फ सफिशेंट होते हैं एंड द गोल इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद एवरीथिंग दैट दे नीड फ्राम विथ इन द इकोनॉमीज बॉर्डर ए क्लोज इकोनॉमी इज द अपोजिट ऑफ एन ओपन इकोनॉमी इन विच ए काउंट्री विल कंड ट्रेड विद आउटसाइड रीजन तो इसके बारे में है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल में ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंडिकेट बाय डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी तो हम लोग का डिफ्लेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं जी ऑफ द कंट्री हैज़ बीन ग्रोइंग एट ए नेगेटिव ग्रोथ रेट नेक्स्ट प्राइज ऑफ ऑल गुड्स मस्ट है सेंट्रल बैंक इज फॉलो आन इजी मॉनिटरी पॉलिसी द डिमांड इन द इकोनॉमी इज वीक और सप्लाई इज एक्सेस तो हम लोग का डी हो जाएगा इसमें भी डिमांड ऑफ द इकोनॉमी इज वीक इन सप्लाई इज एक्सिस इन इकोनॉमीज़ डिफ्लेशन इज एंड डिक्रीज इन द जनरल प्राइज लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस जब भी हम लोग का कोई भी गुड्स और सर्विस का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हम उसमें जानते हैं कि ये क्या है हमारा डिप्लेशन है और डिफ्लेशन रेट क्या है जीरो तक ये करता है जीरो परसेंट और हम लोग का जो ये है जीडीपी में भी ग्रोइंग रिड्यूस और कॉन्स्टेंट हो जाएगा ओके देन सिंस द प्राइस ऑफ गुड्स में डिक्लाइन इफ डिमांड डिक्रीजेस गिवेन कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स इफ़ डिमांड इज टू वीक प्राइस में रिड्यूस हैविली अगर डिमांड नहीं है कम है तो उसका प्राइस भी क्या है कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली ओके देन क्वेश्चन नंबर नाइन राइजो फिल्ट्रेशन इज़ द टेक्निक ऑफ इन रिचिंग द न्यूट्रेंट बेस ऑफ सॉइल बाय अटैचिंग सिम्बेटिक राइजोबियम विथ प्लांट रूट देन ऑब्जर्बन एंड कंस्ट्रक्टिंग टॉक्सिक मेटल फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर बाई प्लांट रोड तो हम लोग का टू हम लोग का सही हो जाएगा इसमें okay, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेसन देख लेते हैं प्लांट टू रिमूव कंटेनमेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर तो ये प्रोसेस है जो हम प्लांट से रिमूव करते हैं जो सॉइल और वाटर से रिमूव करते हैं ये इसका प्रोसेस है राइजो फिल्ट्रेशन इज ए फॉर्म ऑफ फाइटो रेमेडिएशन तो राइजो फिलट्रेशन जो है इसी का ही फॉर्म एक है जिससे कि जितना टॉक्सिक ये सब होता है है पानी में या, आ, में या वो रूट से क्या है? आपने तरफ खींच लेता है और उससे ये कर कर देता है कर लेता है ऑब्जर्व लेता तो हम लोग का टू वाला ऑप्शन जो था सही था ओके देन आप लोग डिटेल में चाहते हो तो ये देख सकते हो या फिर पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए हम लोग का शायद क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रह गया है

ओके okay. हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा टू ओनली बी ये देख लेते हैं इसको थोड़ा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज ए प्रोसेस फॉर एक्सप्लोइटिंग कोल दैट कैन नॉट बी माइंड बिकॉज द सिम आर टू डेव थीन और फ्रैक्चर होता है इसलिए वो ये नहीं करता है दूसरा क्या है सीन गैस कैन बी डायरेक्टली सप्लाई टू इन यूजर रिड्यूसिंग द नीड ऑफ रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लोअर इमिजन बिकॉज गैसिफिकेशन इन यू जी सी इज अंडरग्राउंड दे आर फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कॉस्ट और यहाँ पर इसका डिटेल है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मे भी हो सकता है कि बहुत सारा टेस्ट सीरीज ये सब निकल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिलता है बट साथ, साथ आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर और उसका एक्सप्लेसन नहीं मिलता है तो आप लोग चाहें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के पास में टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए ये सब के लिए मे भी बहुत ये करना पड़ता है वो लोग के पास इतना ये नहीं होता है तो आजकल ऐसे भी लॉकडाउन ये सब का वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब ये सब भी छूट गया है बट वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उन लोग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये ये कर सकते हैं शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगेगा बट किसी के पास जो पहुंच, जिसको इसका ज़रूरत है उन तक पहुंच जाता है तो वो लोग का रुपया बच सकता है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय